बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलदार है, दिलदार सना आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की हमारी रेसिपी है मूंगी की दाल। वो कैसे बनती है हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे मौला भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए हम आपको बताते हैं ये दाल में क्या क्या चीज पहनते हैं। ये मैंने दाल लिया एक पाव, ये मैंने इसे उबाला नहीं है, इसे मैंने इसमें एक नींबू डाला है ताकि ये फूल बहुत अच्छी जाती है, फूल जाती है। ये मैंने प्याज लिया एक छोटा सा और अदरक और लहसुन, ये सब्ज मिर्ची और टमाटर। तो ये आइए हम अब शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया है। तो मैंने 2 घंटे के लिए इसे भिगोया था, इसमें मैंने 2 नींबू डाले हैं तो इसलिए ये फूल जाती है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह जो अब मैं शुरू करने लगा हूँ। तो इसमें 1.5 कप घी डालना है, ये देखें घी डाल रहा हूँ मैं कढ़ाई में। 1.5 कप दाल में 1.5 कप घी डालना होता है क्योंकि दाल घी लेती है ना, इसलिए। चलो अब इसमें 1/2 कप और डालेंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी माशाल्लाह जी। घी को गर्म होने देते हैं। तो मैं इसे जो ये सामान है इसे नीचे रख देता हूँ। तो अब मैं इसे प्याज नेड़े रख रहे हैं क्योंकि ये जब घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं प्याज डालूंगा। तो प्याज डालने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आगे क्या डालना है इसमें दाल में, मूंगी की दाल में। माशाल्लाह बहुत ही आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही प्यारी बनेगी। तो हमें प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो सकूंगा। मुझे आप सपोर्ट करें तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो घी गर्म हो रहा है तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छी आज की रेसिपी बनेगी। तो अब घी गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज डालने लगा हूँ। देखिए इस तरह ये प्याज डाल दिया है। तो इसे अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेंगे माशाल्लाह। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये मिक्स हो रहा है। अब इसमें मैं अदरक डालता हूँ और लहसुन, मैंने अदरक और लहसुन प्याज में डाल दिए हैं। अब इसी को भी नीचे रख देते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये देखें इस तरह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनेगी, देख रहे हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी बनेगी आज की हमारी जो रेसिपी है। तो ये प्याज अपना जब रंग चेंज करेंगे तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्याज अपना रंग चेंज नहीं कर रहा। तो जब प्याज अपना रंग चेंज करेगा तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो प्याज ने अपना रंग चेंज कर दिया, मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च काटी हुई इसमें डाल दूंगा, ये देखिए इस तरह। थोड़ी से नीचे रख दूंगा, इस तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो ये मिक्स हो रहा है, टमाटर अभी तैयार हो रहा है। तो मैं मसाला नमक और ये मिर्च वगैरह ये बना दूँ। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च और 1 चम्मच 1/2 चम्मच नमक, तो 1/2 चम्मच हल्दी और बस इसमें ये मसाले डालेंगे। तो ये इसमें इधर डाल दिए मैंने। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ये अच्छा होता है पानी। हला लेंगे, ये देखिए इस तरह
है तो मैं इधर लगा देता हूँ इस तरह। अब थोड़ा सा डालेंगे और अब थोड़ा सा और पानी इसमें डाल देंगे इस तरह मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मसाले आप तक मिल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी आज की हमारी रेसिपी। देखें तो ये मसाले बन गया। तो अब मैं इसमें ये डाल दूँ 3 सब्जी मिर्चें साबर। तो देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगा दाल। तो ये दाल मैंने इसमें ऐसे ये मैंने दाल डाल दिया। तो अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो देख सकते हैं आप लोग भी ये देखें ऐसे। तो माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह मिक्स हो गया। तो अब मैं इसको अच्छे रख देता हूँ। मैंने रख दिया। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा रहा हूँ। मैंने ढक्कन लगा लिया है। तो 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनती है। तो मुझे छोटा भाई समझ कर आप मुझे सब बड़े भाई मुझे छोटा भाई समझ कर सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो सकूँगा। आप मुझे सपोर्ट करें। तो हमारे 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें माशाल्लाह। तो देख सकते हैं माशाल्लाह जी। तो अब मैं डिश तैयार करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टैंड पे लगा लेता हूँ। मैंने स्टैंड लगा लिया है। अब मैं कढ़ाई को नीचे उतारता हूँ। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई को मैंने स्टैंड पर लगा लिया। अब मैं डिश तैयार करने लगा हूँ। तो अब मैं डिश तैयार करने लगा हूँ ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है हमारी आज की रेसिपी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अब मैं इस पर ये कढ़ाई पर ढक्कन लगा रहा हूँ। इस पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। चम्मच को नीचे रख देंगे। तो आज की माशाल्लाह हमारी डिश तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। नाल मैंने सलाद भी बनाई है ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना। दुआ में याद रखना। हमारे भोला बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़्यादा पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़।